पूजा किसकी करते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। अभी मंदिर किनका बना? राम का नहीं, मर्यादा का मंदिर बना है मेरी माँ। मर्यादा राम कौन है? मर्यादा है। जो राम को पूजता है वो मर्यादा को पूजता है, जो मर्यादा को, जो राम को पूजे और मर्यादा को ना माने तो वो काय का राम भक्त? राम भक्त कोई राम की जय जयकार करने से नहीं होता। राम का गुणगान कोई गाए तो कहे जी मैं राम, ना। राम के आचरण जब तक जीवन में नहीं उतरेंगे तब तक कोई राम भक्त नहीं हो सकता। राम भक्त आचरण से बनेगा, जो आचरण राम के हैं वो उतारने से होगा। कोई राम राम जपने से राम भक्त ना हो जाएगा। तुम सारी जिंदगी राम राम जपो और मर्यादा का बिल्कुल पालन ना करो, तुम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हो, तुम अपने, तुम्हारी पत्नी है, तुम पड़ोसन को ताक झांक करते हो और तुम राम राम जप रहे हो, राम 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 राम, और पड़ोसन को देख रहे हो आई क्या, राम 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 राम, गई क्या, राम 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 राम, अब जप रहे हो राम राम, तो तुम्हारे आचरण राम से मैच नहीं कर रहे हैं, रावण से मैच कर रहे हैं। तुम तो रावण रावण जपो, राम राम जपने से क्या होगा यदि तुम्हारे अंदर राम के लक्षण नहीं है तो। राम मतलब आचरण, राम मतलब मर्यादा, राम मतलब पवित्रता विचारों की, चरित्र की, राम मतलब सत्य, राम मतलब आज्ञाकारी, राम मतलब एक पत्नी व्रता पुरुष, राम मतलब क्या हुआ, एक पत्नी व्रता पुरुष। अब जिसकी 17 स्त्री है वो राम का आदर्श के योग्य है? नहीं। राम मतलब पत्नी व्रता, सीता मतलब पतिव्रता, समझ रहे हैं? राम मतलब लीडर, राजा। राम मतलब पुत्र, कैसा बेटा हो, बेटे की परिभाषा क्या होनी चाहिए, राम, राम जैसा बेटा। पूरे पुत्र की परिभाषाएं घटती हैं राम पर। एक पति की परिपति कैसा होना चाहिए, राम जैसा। एक राजा कैसा होना चाहिए, राम जैसा। एक लीडर कैसा, लीडर कैसा होना चाहिए, राम जैसा। एक भाई कैसा होना चाहिए, राम जैसा। एक पिता कैसा होना चाहिए, राम जैसा। एक मित्र कैसा होना चाहिए, राम जैसा। एक भगवान कैसा होना चाहिए, राम जैसा। हर परिभाषा राम में खरी उतरती है, हर परिभाषा को राम ने जिया है।